हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस कला। मैं हूं नेहा और आज हम यूज़ करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों का और उसका रीयूज़ करेंगे और कुछ हटके कुछ न्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब टुकड़े छोटे छोटे थे, तो जिसमें मैंने बड़ा सा कपड़ा रेड का लिया है और छोटा टुकड़ा जो है वो बांधनी का है और ये बाटिक का कपड़ा भी बोला जाता है, तो उसे ना मैंने वन बाय वन जोड़ के ऐसे तैयार कर लिया और उसके नीचे मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा बांधनी का जोड़ दिया है। ऐसे ही दो पार्ट मैंने दूसरी साइड रेडी कर लिए। देखिए छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसे मैंने, अब हम दोनों पार्ट को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल है उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में से हम डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसे रेडी करने के बाद अपनी जो अच्छी फिटिंग की कुर्ती थी उसे इसके ऊपर रख दिया और देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मार्जिन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और जो भी कुर्ती पे मार्जिन मतलब मार्क कर रही हूँ जिस तरीके के शेप है उसी तरीके से। तो ये जो तरीका है वो आप इस ट्रिक से आसानी से अपने लिए कुर्ती बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने मार्क किया था उसी तरीके से मार्क किया। बैक साइड में मैंने ये जो बचा हुआ बांधनी का कपड़ा था उसे ही मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो हमारा यहाँ आगे और पीछे का रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमें कैसे कट करना, तो जो कटिंग की हुई कुर्ती है वहाँ पे ऐसे रखिए और मार्जिन का देखिए ऊपर का जोड़ने का हमने कट कर लिया और ऐसे हम मार्क करेंगे ऊपर का जो एक्स्ट्रा रख दिया था जोड़ेंगे जो शोल्डर वो, और इस तरीके से आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी स्लीव्स लंबी रख लें और इस तरीके से आपको स्लीव्स कट करनी है। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऐसे फोल्ड कर लीजिए दोनों पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नीचे दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब आपको आगे का जो पार्ट है थोड़ा सा हल्का सा आप इस तरीके से कर्व दे सकते हैं जैसे कटिंग कही थी उसके बाद। अब हम यहाँ पे देखिए 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और नीचे हम 3 इंचेस पे मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। 1.5 इंचेस पे आप कॉर्नर से मार्क कीजिए और ऐसे राउंड शेप दे दीजिए और ये आपका बॉकनेट रेडी हो जाएगा। मुझे ये नेक बहुत ही अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है। अब मैंने क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग ली है जिसे नीचे से हम अटैच करेंगे। देखिए ये तरीका आपको बहुत ही इजी रहेगा, आप अपने लिए बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन की कुर्तियाँ बना सकते हैं और कुर्ती हर कोई को ज़रूरत होती है। अब देखिए क्रॉस में कटी हुई पाइपिंग हमने नीचे अटैच की, उसके बाद ऊपर अटैच करेंगे और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा डिज़ाइन का नेक भी कट कर सकते हैं और यहाँ पे हम शोल्डर को मिला लेंगे। शोल्डर को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारी स्लीव्स कटिंग की थी ना वो लेंगे और यहाँ पे हम आगे से थोड़ा सा हल्का सा कर्व देके कट कर लेंगे स्लीव्स को। थोड़ा सा राउंड शेप नीचे जाएंगे डीप में और इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर आपको फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। और आज का वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर से फ्रेंड्स बताना और कुर्ती बनाने का अगर शौकीन है तो भी आप सब कमेंट करना और बताना और नए आइडिया आपके पास है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ पे दोनों साइड मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे साइड में हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और आपको फिटिंग मतलब अपने नाप की फिटिंग करनी है तो क्या करना है पता है, आप जो कुर्ती है उसे सीधा इसके ऊपर रख लीजिए और जो एक्स्ट्रा है वो उसके ऊपर आप मार्क करके स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में स्टिच कर ली है। अब नीचे की बारी है, हम नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे बॉटम पार्ट से। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और मुझे कमेंट करके ये भी बताना क्या मैं कुर्ती पर और वीडियो बनाऊँ। और देखिए यहाँ पर हमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सीधे जाना है। देखिए एक साइड का फोल्ड किया यहाँ पे सीधे गए, अब हम नीचे की ओर जाएंगे जिससे हमारा साइड का जो है वो अच्छे से स्टिच हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से हो गई, ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई। तो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, आपको कैसा लगा जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।